से था कि इनकी यहाँ अच्छे तरीके से यात्रा का समर्थन हो, तो हमने किया, हमारे लोगों ने किया जी। सारी कुर्सियाँ भरने में और लोग खड़े होने में, तो आप जानते सारा कुछ बढ़िया तरीके से लोग आए, तो यात्रा इनकी यहाँ अच्छी होगी, सफल होगी। लेकिन सर लोग चाहते थे आप मंच पे भी जाते, आप मंच पे नहीं गए थे। लोग तो मेरे लिए क्या कहने चाहते, लोगों को बेचारों को लोग हैं, उनकी तो थोड़े लोगों को यहाँ तक सवाल है कि हमें मंच की ना कोई ख्वाहिश थी, ना हमने मंच की बात की थी, ना हमसे डिस्टेंस पर बहुत इनका अपने सीन होते हैं। दूसरा सर, विवाद भी एक आपके समर्थन हर जो यात्रा को देने के उठा, कुछ लोगों ने कहा कि और कुछ लोगों ने कहा नहीं, उमर अब्दुल्ला ने भी आज मैं उनको समझता नहीं, होश थे। उमर अब्दुल्ला ने भी एक्टिवेट किया था कुछ सवाल। उमर अब्दुल्ला तो वैसे भी इमेच्योर आदमी है, सीएम रहने के बाद भी, पार्लियामेंट्री रहने के बाद भी, अभी तक उनको पता नहीं कौन सी बात कब कर ली। जब सांबा में उन्होंने महाराज हरि सिंह के साथ खड़ा बात करी थी, क्या हाल पता है उनको क्या? जब वो एक इंच जमीन 2008 में बात करी तो उसका क्या असर हुआ, जो हड़ताल इन्होंने करवाई थी सारी अमरा जाता। ये तो कभी भी बकवास फालतू बातें कर सकते हैं। दोगले रवैये पर भी सवाल उठ रहे हैं, और जब आपने खुद जब ऑल पार्टी मीटिंग इन्होंने बुलाया था, आप गए थे तब इन्होंने सवाल नहीं उठाए, लेकिन फारूक साहब ने बुलाया। जब आप भारत जोड़ो यात्रा में तब सवाल उठा रहे हैं। वो नहीं चाहते कि यात्रा सफल हो, वो चाहते कि जम्मू में यात्रा सफल हो, ताकि कश्मीर में तो है पहले कुछ नहीं। कश्मीर में सारे कश्मीरी पॉलिटिशियन को 2-10% बोल रहे हैं, 2-3 हज़ार वोट लेने वाले खुद के बारे में। और जम्मू में वोट है, जम्मू में सपोर्ट है, जम्मू में लोग हैं, और जम्मू को ये चाहते कभी उभर के सामने ना आए। सर कहीं इनको ये बात चुप तो नहीं रही कि लाल सिंह राहुल गांधी से क्लोज ना हो जाए और वो ज़्यादा नज़दीकी उनकी बढ़ना चाहे, इस वजह से इस तरह के बयानाते हैं? मैं जब ये MP थे ना उमर साहब, और कोई जाके उसके पास जाके उसी में बैठ के बात करते थे, तो मैं राहुल गांधी जी को कहता, राहुल जी तो कहते भैया, तो फिर मैं बात कर पाएंगे तो हम पार्लियामेंट में कहीं बैठ जाते थे। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम। अभी अटकलें ये भी हैं कि लाल सिंह साहब जो है वो कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। मैं दामन नहीं थामता किसी का, मैं बात याद रखना, नेवर डोगरा हूँ पक्का टक्का। दामन दोमन थामते कमजोर लोग। घर वापसी का है, मतलब नहीं, कोई घर कौन सा मेरा घर, पॉलिटिक्स कोई राजनीति पार्टी पिटना शुरू हुई है। और सिर्फ सवाल तुंदे ऊपर नहीं है, पूरी डोगरा कम्युनिटी ऊपर, जेडे 42 लाख तो कन्ने लिए चले। एक्चुअली क्या है कि ये जेडे लोग ना जिन्हें की तकलीफ होती है, देखो जम्मू की निचोड़िया 75 साल, और जिस पार्टी की समर्थन किया जम्मू ने, उन्हें भी बेवकूफ़ है तकलीफ ही समझिया, उन्हें भी खुटे लैन लाई जुड़े जम्मू। इस करिए बड़ी साफ गल है कि जम्मू कन्नै जायती पहले भी हुई, अज भी जायती जम्मू कन्नै। मंच उपर ताइयां ते नहीं आए तुस, अज भी जम्मू कोई हिदायत होगी मंच उपर नहीं तुस आए हो, गलत मैसेज आ। मेरे कन्नै कोई ऐसी गल नहीं हुई, थल्ले खड़ोते दे निकल पता अन्ने ने गे नारे थकूदे लगा दे। उमर अब्दुल्ला महबूब मुफ्ती दोए तुंदे बड़े नज़दीकी रहे, पोलिटिकल नज़दीकी रहे, दोए तुंदे जेडे ने बड़े पोलिटिकली नज़दीकी रहे ने, दोए उंदे ने काम कीते दा, और तू भी हुण तुंदे पर सवाली निशान खड़ा करा दे, और इयां सही हो 2018 परती वापस आ। देखो जेड़े उमर अब्दुल्ला ने, मैंने दसी ओड़ा तुसें ही, मैं उमर अब्दुल्ला की सियासतदान नहीं समझता, तो महबूबा मुफ्ती वो भी नहीं है। दोनों अपनी पार्टियां, अगर पार्टी NC खत्म की रोई तो उमर अब्दुल्ला साहब ने, अगर PDP खत्म की तो महबूबा साहब ने, महबूबा मैडम ने, साड़ी भैन ने, पता इससे ने क्या सत्यानाश मो लिया। मैं जिस दिन गया हाँ, मैं क्या सुनो सीवेज कराओ, अगर तुसी लोग दे शामिल नहीं आओ, अगर तुसी ईमानदार हो, तो फिर कश्मीर दे जड़ी वो है क्राइम ब्रांच हो, तो की करा दे हिंदुस्तान की CBI को की नहीं करा, जिसे शोपियां केस होंगे तो तुम उन्हें CBI मंगते हो, तो जम्मू के केस हो साढ़े बकरवाले की कुड़ी की इंसाफ नहीं मिलना चाहिए। एक गल पुठी करन, बेसिकली बुरहान मरिया ना मारिया, तो बुरहान मरने के बाद इन्नी सरकार ही इंदी धीती लगी दी, कश्मीर जिंदा जीना राम, ये अपने आप ही रिस्टोर करना चाहते हैं कि जम्मू के अंदर मुसलमान कितना तंग है। देखो जी मुसलमान ने कहने कितना जुलम, कितना मुसलमान हमारे कहना पगा पाइए, क्या
ਨਾਰੇ ਵੀ ਲਾ ਦੇ ਇੰਦੇ ਕਨੇ ਕਹਿਣੀ ਆ ਝੰਡੇ ਦੇ ਪੀੜੇ ਬਥੇਰੇ ਟੰਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਜੇ ਚੌਧਰੀ ਕੁੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਚੌਧਰੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਇਸ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਪਈ ਜਿਹਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਸਾਈਡ ਹੋਈ ਇਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਈਡ ਨਾਲ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਨੇ ਜੀ ਆਲ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟ 'ਚ ਬੈਠ ਦਿਓ ਕੀ ਅਗਲਾ ਰੋਲ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਕਿਉਂ ਵਿਚਾਰ ਚਲਾ ਨੋ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰਿਊਮਰਸ ਚਲਾ ਰਿਊਮਰ ਤਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਜੰਮੂ ਕੀ ਸਟੇਟ ਸੈਪਰੇਟ ਸਟੇਟ ਦਿਆ ਕੋਈ ਜੰਮੂ ਕੀ 371 ਦਿਆ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਮੈਂ ਮਨਸਨੀਆਂ ਪਾ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਪਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਿੱਤਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਦੋ ਦਿਨ 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਿੱਤਿਆ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਹੈ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰਿਆ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਉਹ ਦੂਏ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆਏ ਔਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਯੂਪੀ 'ਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੈਦਲ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੋਨੇ ਸਟੇਟ ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੋਨੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕਈ ਵੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਦੂਏ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾ ਦੇਣ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਜਾ ਰਹਾਂ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੇਰੇ ਐਨਸੈਸਟਰਸ ਇੱਥੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਕਦੀ ਕਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਆਲ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਭਰਤੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੀਟ ਹੋਗ ਮੇਰੀ ਪਲਾਂਘਣ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੁੱਤਰੇ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਜਾਣ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਟੋਕੀ ਆਇਆ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਤਾਂ ਹੋਈ ਉਸ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਸਾਫ ਆਖਿਆ ਅਗਰ ਅੱਜ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਹਰੇ ਦਾ ਵੋਟਰ ਆਈ ਆ ਫਲਾਣਾ ਆਈ ਆ ਅਤੇ ਲਈ ਜੰਮੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਂਗੀ ਆਏ ਤਾਂ ਉਸ ਕੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਕਰੀਏ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਮੈਂ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਰੋਂਗੀਆ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਨਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਾਕੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੋਂਗੀਆ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਦਮੀ ਇੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਰੀਏ ਉਸ ਨੇ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਮੂ 'ਚ ਵਸਾ ਰਹੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ 9 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਕਸਰ।